हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैंने कल आपको बताया था कि अब मैं कल भी आरआरबी के पेपर का एनालिसिस आपको दूंगी कि पेपर कैसा आ रहा था। तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और यहाँ हमारे पास है फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम के एनालिसिस। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, इसको देख के आपको पता लग जाएगा कि आगे भी पेपर कैसा आने वाला है। जैसा मैंने आपको कल के एग्जाम में बताया था, आज का पेपर भी उसी तरीके से आया था, उतने ही क्वेश्चन लिए गए थे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एफटी की। एफटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 क्वेश्चन आए थे जो कि इजी थे। फिर डीआई, 3 डीआई आई थी। कल के पेपर में भी 3 डीआई आई थी और आज के पेपर में भी 3 डीआई आई। पहली जो इन 3 डीआईओ में एक डीआई थी टेबुलर की, फिर पाई चार्ट और लाइन ग्राफ की। जो टेबुलर वाली डीआई आई थी वो थोड़ी कैलकुलेटिव थी। पाई चार्ट सिंगल पाई चार्ट था, कुछ दूसरा पाई चार्ट नहीं दिया था, एक ही पाई चार्ट से सॉल्व करना था और एक लाइन ग्राफ वाली आई थी। अब हम बात करते हैं नंबर सीरीज की। 5 नंबर सीरीज थी जो कि मिसिंग वाली थी, जिनमें मिसिंग नंबर दिए होते हैं वो वाली नंबर सीरीज आई थी। कल के पेपर में भी ऐसे ही सीरीज पूछी गई थी। अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन से था, एक क्वेश्चन एज से दिया था, स्पीड डिस्टेंस और टाइम से भी एक क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑन ट्रेन से था और मिसलेनियस में 5 क्वेश्चन आए थे जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एंड स्ट्रीम दिए हुए थे। तो ये तो बात कर ली हमने एफटी की। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर आप डेली का डेली हर पेपर की हर शिफ्ट की एनालिसिस देखते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। अब नेक्स्ट एग्जाम सैटरडे संडे को होने वाले हैं तो उनके लिए आपको काफी कुछ हेल्प मिल जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं रीजनिंग में इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी 5 मार्क्स की आई थी जो कि इजी थी। फिर आया था सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट भी 4 आए थे, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल मिला के 4 आए थे, मतलब 20 क्वेश्चन। उसके बाद बात कर रहे थे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग ओल्ड पैटर्न पे आई थी, 5 मार्क्स की आई थी। अल्फाबेटिकल भी 1 मार्क्स का आया था, सिलॉगिज्म आया था 5 मार्क्स का। मैंने आपसे कल भी बताया था कि सिलॉगिज्म में प्लीज एक बार पॉसिबिलिटी वाला जरूर देख लेना, क्योंकि हर कंक्लूजन में एक एक पॉसिबिलिटी जरूर दी हुई है। सिलॉगिज्म के बाद हम बात कर लेते हैं नंबर अरेंजमेंट से भी 2 क्वेश्चन आए थे और मिसलेनियस से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिसलेनियस में आप देख सकते हैं वो वाले क्वेश्चन आए थे कि कुछ अलग अलग वर्ड्स दिए होते, उनको मिला के कितने मीनिंग्स बनेंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड सीरीज वाले, इस तरीके का पेपर आया था। अब हम बात कर लेते हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल किस टाइप की आई थी। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में 1 मंथ वाली थी जिसमें सिंपल 2 वेरिएबल दिए हुए थे, लीनियर थी, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन पैरेलल वाली, सर्कुलर बेस थी। सर्कुलर बेस में कुछ फेसेस सेंटर और कुछ आउटसाइड सेंटर सेंटर में थे। 8 लोगों को बैठाना था हमें और 1 बॉक्स वाली आई थी जो कि सिंपल, जिसमें 1 ही वेरिएबल दिया हुआ था। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे साथ कनेक्ट रहिए, हम आपको हर एग्जाम की एनालिसिस देते रहेंगे और इनको देखिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक भी पेपर का पैटर्न तो एटलीस्ट हमें यहाँ से पता ही चल गया कि 3 डीआई आनी है या फिर 4 सिटिंग अरेंजमेंट आने हैं, तो उस हिसाब से हम पूरे वीक में अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइबर का बटन दिया उसको प्रेस करें और उसके पास में जो बेल आइकन दिया प्लीज उसको जरूर प्रेस करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।